ये जो कुछ भी हुआ, क्या महादेव को पहले से ही ज्ञात था कि देवी सती के साथ ऐसा होगा? शिव तो शिव है, भूत भविष्य वर्तमान सब वही तो है। वो सब जानते हैं, किंतु अपने भक्तों को नियति की शक्ति और श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ा। देवी सती मानव दहन में थी, मानवीय दुर्बलताओं से युक्त। अब वो अपने वास्तविक शक्ति रूप में आए हैं। मानवीय दुर्बलताओं को मुक्त कर वो अपनी वास्तविक स्मृति को पाएं। यदि शिव चाहते तो वो इस यात्रा में विघ्न डाल सकते थे, परंतु उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस अध्याय से समस्त संसार जान जाएगा कि नियति के ऊपर कोई भी नहीं, ना कोई दानव, ना कोई मानव, ना कोई ऋषि और ना ही कोई देव नियति के ऊपर कोई भी नहीं।